नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बाल्मीकि फ्रॉम कोलकाता, अ मॉडलकर कलेक्टर एंड अ कार एंथुसियास्ट। कुछ दिन पहले मैं गया था ऑफलाइन शॉपिंग में, और ऑफलाइन शॉपिंग में मेरे को बहुत सारे गाड़ी दिखी। ऑब्वियसली मार्केट में गया तो बहुत सारे गाड़ी तो होना बनता है। उस गाड़ियों के भीड़ से मैं 2-3 गाड़ी लेके आ चुका हूँ, और इस वीडियो में इस गाड़ी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं रहा था एक्चुअली कलकत्ता में, और कलकत्ता का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कलकत्ता में आपको डाइकास्ट गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है। क्योंकि अगर आप गाड़ी सर्च करोगे कलकत्ता के ऑफलाइन मार्केट में, आपको ढेर सारा सेंटी मिलेगा, सिंशे मिलेगा। इस दो कंपनी के अलावा आपको और कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगा। डाइकास्ट का मार्केट एकदम से सूखा पड़ा है। अगर आप चले जाएंगे बॉम्बई, दिल्ली यानी चेन्नई तक, आपको बहुत सारा डाइकास्ट का गाड़ी का दुकान मिल जाएगा। लेकिन कलकत्ता में भाई डाइकास्ट गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है। तो पहला वाला जो गाड़ी है ये है किंग्समार्ट का हैमर H2। ये किंग्समार्ट का गाड़ी है, ये मेरे को मिला है कुछ 400 के आसपास। ये गाड़ी एक्चुअली बिना बॉक्स के साथ आया था, कोई भी बॉक्स यहाँ पर नहीं था, और बहुत सारे धूल मिट्टी इसके ऊपर जम चुका था। तो मैंने कोशिश की थोड़ी बहुत इसको सफाई करने के लिए। ये है किंग्समार्ट का हैमर H2। गाड़ी देखने में कुछ इस तरह लगता है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये वाला जो गाड़ी है ब्लैक कलर में है, बहुत सुंदर लग रहा है। और इसका जो स्केल है कुछ 1/40 के आसपास आता है। बात करें इसका ओपनेबल पोर्ट्स की, 2 फ्रंट डोर्स इसका ओपनेबल है कुछ इस तरह। तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिटेल लगता है, होना तो है क्योंकि ये जो गाड़ी किंग्समार्ट की तरफ से आता है। लेकिन आज का जो अट्रैक्शन है वो ये गाड़ी नहीं था। आज का अट्रैक्शन है 2 गाड़ी, मैं आप लोगों के साथ एक एक करके शेयर करता हूँ। सबसे पहले है मेरे पास ये वाला गाड़ी। ये गाड़ी मेरे को मिला है एक बहुत ही छोटा सा शॉप से, और मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उस टाइप के शॉप से मेरे को ये वाला गाड़ी मिल जाएगा। ये है एक्चुअली न्यूरे सिटी क्रूजर का जो सीरीज बनाता है उसका एक ये वाला गाड़ी है। ये है अल्फा रोमियो मॉडल, और इसका जो स्केल है वो है 1/32 में। जब मैंने ये गाड़ी खरीदा था इसका जो हालत बहुत बुरी था, आप लोग ये फोटो देख सकते हो, बहुत सारे धूल मिट्टी इसके ऊपर जम चुका था। मैंने कोशिश की थोड़ा बहुत इसको साफ करने के लिए। तो ये जो गाड़ी है बहुत ही भारी किस्म का एक गाड़ी है, इसका बहुत ही वजन है, और 1/32 इसका स्केल है, और 2 ओपनेबल डोर के साथ आता है। लेकिन जो डिटेलिंग है कमाल की है, न्यूरे का गाड़ी है, डिटेल तो होगा ही। और आज का जो सबसे अनोखा गाड़ी है वो है ये पॉन्टियक फायरबर्ड। जब मैंने पहले इस गाड़ी को देखा था, बस मेरे को लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। सच बताओ यार, मैं एक्चुअली विंटेज गाड़ी कलेक्ट नहीं करता हूँ ज्यादातर, लेकिन ये वाला गाड़ी जब मैंने देखा था मेरे को प्यार हो गया था। बस इस गाड़ी से मेरे को प्यार हो गया था इसका डिजाइन की वजह से। ओ माय गॉड, व्हाट अ कार, गुड जॉब न्यूरे। ये गाड़ी भी 1/32 में है, न्यूरे बनाता है इसको, सिटी क्रूजर का सीरीज के अंदर ये गाड़ी आता है। 2 ओपनेबल डोर के साथ आता है कुछ इस तरह। इसका नाम है पॉन्टियक फायरबर्ड। इसका भी वजन है, बहुत भारी है ये गाड़ी न्यूरे का। तो आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये दोनों गाड़ी मेरे को इतना चीप में मिल गया नसीब से। ये दोनों गाड़ी मेरे को बस 200 करके पड़ा, 400 में ये 2 गाड़ी मेरे को मिल गया। भाई इतना खुशी आई ना मेरे को उस दिन, इतना खुशी आई कि न्यूरे का सिटी क्रूजर वाला गाड़ी मेरे को बस 200 में मिल गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करो लाइक, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिलता है इस तरह वीडियो अब तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।